मगर बेटी क्या नहीं चाहिए, जबकि उसकी पूंजी होती है बेटी।
माँ बाप को जरा सा भी दर्द हो तो रोती है बेटियाँ। रोशन करता है बेटा सिर्फ एक कुल को, दो दो कुलों की लाश ढोती है बेटियाँ। फिर भी किसी को नहीं चाहिए बेटियाँ। क्यों नहीं चाहिए बेटियाँ? है किसी के पास इस बात का जवाब? बेटियाँ क्यों नहीं चाहिए? हमारा क्या कसूर? आखिर कसूर क्या है हमारा? क्यों नहीं चाहिए बेटिया? क्यों नहीं? हमारा कसूर क्या है? क्या है हमारा कसूर? मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दो। तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। रोहित उठो। अरे क्या हुआ? क्या उठो रोहित, नींद में क्यों चिल्ला रहे हो? अरे तुम जिंदा हो? जिंदा? हाँ, मुझे क्या हुआ है? हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है, तुम सचमुच जिंदा हो। हाँ, पर हुआ क्या? वो कभी वो कौन? मेरी बेटी, मेरी होने वाली बेटी। बेटी? पर तुम्हें तो बेटा चाहिए था ना? नहीं ज्योति, नहीं, अब मैं समझ गया हूँ। बेटा और बेटी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, जिसके बगैर इस जिंदगी की गाड़ी नहीं चल सकती। अगर हमें अपने भविष्य को उज्जवल बनाना है तो पहले हमें बेटी को बचाना है। बेटा और बेटी को बराबरी का दर्जा देकर इस जिंदगी को खुशहाल बनाना है। हाँ रोहित, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। बेटियां तो माँ बाप की रानियां होती है, मीठी मीठी प्यारी प्यारी कहानियां होती है। हमें इन्हें इस दुनिया में लाना ही होगा। इस दुनिया को अगर बचाना है तो हमें इन्हें बचाना ही होगा। हम सबको मिलकर इन्हें बचाना होगा, है ना रोहित? तुम ठीक कहते हो ज्योति, इसकी शुरुआत हम करेंगे। उम्मीद है कि सब लोग हमारा साथ देंगे।